हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो मैंने मॉर्निंग से ही ब्लॉग शुरू कर दिया है। आज का डेट है 27 जनवरी और आज का जो दिन है वो है थर्सडे, यानी कि गुरुवार है। तो अभी देखिए, मैं चोखा बना रही हूँ, कुकर वाला चोखा। इसकी रेसिपी मैंने बहुत पहले आपको आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। तो अभी थोड़ा सा मुझे, जैसे कि बच्चों का आज आधा घंटा रेस्ट है ना, एक क्लास नहीं चलेगा रुपेश का, तो मैंने सोचा कि लाओ जल्दी से थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि वही इवनिंग का दिखाते दिखाते मतलब थोड़ा वो हो जाता है ना कि कुछ अलग हो। तो मैंने कहा कि लाओ रुपेश, थोड़ा सा जब तक नहीं क्लास चल रहा है मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो वही रुपेश ही रिकॉर्ड कर रहा है और वो लिंक भी चेक कर रहा है कि लिंक आएगा मम्मी तो मैं छोड़ दूंगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम छोड़ देना। तो अभी देखिए, ये जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप लोग के साथ, बथुआ का साग, तो नए स्टाइल में शेयर करूँगी। तो अभी मैंने पचफोरन से तड़का लगा दिया है और सरसों का तेल मैंने लिया है। फिर मैंने इसमें बारीक कटे हुए प्याज ले लिया है। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्च ये सब डाल के, बेसिक मसाले डाल के इसे कवर कर दूंगी। जैसे कि बेसिक मसाले में मैंने हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, वही डेली का रूटीन मसाला जो होता है वही मैंने डाल दिया है। और इसे ढक के फिर जब तक टमाटर है ना वो सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसे ढक ढक के पका लूँगी। तो अभी देखिए टमाटर जो है अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई, इसमें काफ़ी मात्रा में लहसुन जाता है। तो अभी जो साग आपने देखा, बथुआ का साग, मैंने सीटी लगाया था, तो सीटी लगाते वक्त इसमें मैंने डाल दिया था लहसुन, हींग इसके साथ मैंने पका लिया था। और साग देखिए कंप्लीट है। आगे रेसिपी निकल गई, उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी क्योंकि रुपेश फ़ोन लेके चला गया था, उसका क्लास शुरू हो गया था, तो वो मैंने अपने पहले वाले फ़ोन से रिकॉर्ड किया था, इसलिए उसकी क्लियरिटी बिल्कुल नहीं आई है, तो उसके लिए सॉरी। हाँ देखिए, साग बन के रेडी है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और अभी शाम के बज रहे हैं 6, तो मैं सभी को लंच करा के सो गई थी और सो के अभी उठी हूँ तो टीवी देख रही थी। फिर कपड़ा वगैरह फोल्ड करके मैंने लगा दिया है, और डेली कपड़े फोल्ड करके ही क्या दिखाऊँ आप लोग को। और अभी हो रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं, तो दिया जो है, मुझे कमेंट आया था कि आप दिया जलाना मत बोलिए, आप बोलिए कि दिया जोड़ दिया। हाँ, दिया जोड़ दिया है, तो हाँ मैं अभी जा रही हूँ दिया जोड़ने। तो अभी देखिए मंदिर का मैं पट खोलूँगी और दिया जोड़ दूंगी, क्योंकि दोपहर के 12 बजे मैं मंदिर का जो वो पर्दा मैंने बनाया है ना वो मैं मतलब कवर कर देती हूँ मंदिर को, मतलब पर्दा जो है वो खींच देती हूँ, लगा देती हूँ। तो अभी मैं खोलूँगी और दिया जोड़ दूँगी। तो और बच्चे भी अभी यहीं पे आसपास ही हैं, तो अभी चलते हैं, दिया पहले जोड़ लेते हैं। चलिए, क्या तुम भी पियोगे दूध रुपेश? तो पहले बच्चों को दूध दे देती हूँ क्योंकि छवि को दूध पीना है। तो पहले मैं सोच, और ठंड तो इतनी ज्यादा पड़ गई है ना कि क्या बताऊँ, ठंड बहुत ज्यादा पड़ गई है आज, कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। और लग रहा है कि जो जब तक नहान नहीं हो जाएगा तब तक ठंड का जो है वैसे ही रहेगा। तो बिस्तर पे बैठे बैठे देखिए मैंने सब्जी भी काट लिया था, आज पत्ता गोभी बनाऊंगी। पत्ता गोभी दिख नहीं रहा, दिखा तो आज पत्ता गोभी बनाऊंगी, पत्ते गोभी की सब्जी बनाऊंगी। और चलिए पहले बच्चों को दूध दे देती हूँ। गरम दूध चाहिए ना? तो अभी देखिए फ्रेंड, दूध को मैंने रख दिया गरम होने के लिए और बॉर्नविटा जो है वो खत्म हो गया है। तो हल्दी वाला दूध वैसे कभी कभी देती हूँ, पर आज हल्दी वाला दूध नहीं देना है मुझे। आज मैं ऐसे ही बच्चों को बस प्लेन दूध दूंगी चीनी के साथ। तो अभी जो है दूध गर्म हो गया है, तो दूध को मैं पहले दे दूँ बच्चों को। छवि आओ बेटा, चलो ठीक है भाई, रो मैं लेके आ रही हूँ ग्लास में। तो चीनी जो है वो मैंने डाल दिया था पहले से ही दूध में, दूध दे देती हूँ बच्चे, फिर जल्दी जल्दी डिनर बना लूंगी क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। पर सिंक का भी क्लीन था, पर एक देखिए एक बर्तन गया उसमें, सिंक खाली रह ही नहीं सकता। और फ्रेंड्स एक चीज आप लोग को बताना है, आज जो मेरे कान का वो जो मैंने पहना था ना, कान का जो सोने का इयर रिंग,
वो आज टूट के गिर गया था। मैं बाहर सड़क पे खड़ी थी और वहीं पे टूट के गिर गया, तो जो मेरी सामने वाली पड़ोसन है उन्हीं से मैं बात कर रही थी, तो उनको मतलब मिल गया, खोया नहीं है, पर मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी कि आज लग रहा है कि 7-8 हज़ार का चूना लगेगा, और वो 7-8 हज़ार का तो होगा ही होगा। पूरा ऊपर का जो डिज़ाइन था ना, वो पूरा का पूरा कान का जो है ना, वो पूरा डिज़ाइन जो है वो गिर गया था, पर मिल गया है, तो इसीलिए मेरा कान जो है देखिए सूना सूना है, बाली है, उसे जुड़वा लूँगी, फिर उसके बाद से उसको पहनूंगी। तो चलिए अभी लेके चलते हैं दूध बच्चों को देने के लिए। लो जल्दी से पी लो, बर्तन साफ कर लें हम भी ना, फिर जल्दी से खाना बना लें, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रहा है हमको भी। लो आधे चलिए से पी लो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, दूध पी जाओ। लो पी लो रुपये से तुम, छबी उठो उठो, ये वाला ये अलग छोटे गिलास वाला तुम्हारा है, बीच वाला मेरा है, और ये भैया का। तो रेस्ट नहीं लो, पी लो उसके बाद से फिर रेस्ट लो। लो पकड़ो, और बच्चे तो बिल्कुल रजाई से निकल ही नहीं रहे हैं यहाँ। ले लो बेटा पियो फटाक से, दूध पी लो। वो घी होता है बेटा, मलाई जो है वो होती है तो घी निकलता है ना, घी नहीं। ठीक है पी लो, जल्दी जल्दी पी लो तुम लोग, मैं भी पी लेती हूँ। दूध खड़ा होकर पीना चाहिए, बैठ के नहीं, और पानी जो है वो खड़ा होकर, दवाई पानी खड़ा होकर, दूध सॉरी दवाई और पानी जो बैठ के, और दूध खड़ा होकर। औरतों को भी दूध की जरूरत होती है बढ़ती उम्र के साथ, एक गिलास दूध को पीना ही चाहिए। अभी देखिए मैंने दूध पी लिया, और डेली मैं इस टाइम बच्चों को और खुद भी दूध पीती हूँ। पी लो पी लो जल्दी पी गिलास गिलास। तो चलिए फ्रेंड्स अभी बना लेते हैं सब्जी, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, जल्दी से सब्जी बन जाएगा, तो मैं भी रजाई में जो है बैठ जाऊंगी रजाई में। तो अभी देखिए मुझे मटर भी छीलना है, पर हस्बैंड मटर लाए थे तो रात हो गया था खाना वाना खिलाने में, तो रात नहीं वही 9 बज गया था, ठंडी काफ़ी थी, तो मटर वहाँ पे रखा हुआ है मैंने छीला नहीं है। जो सब्जी में ज़रूरत थोड़ी तो थोड़ा थोड़ा मैं छीन ले रही हूँ, तो सब्जी मुझे मटर भी छीलना है। ट्रे को ऐसे भूख लगा देती हूँ, अभी ट्रे मैंने साफ किया है, फिनिश हो गया। ठीक है जाओ, तो चलिए पहले बनाते हैं डिनर। डिनर में मैंने बता ही दिया है कि क्या बनाऊंगी, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया, उसमें सरसों का 2 बड़ा चम्मच तेल लिया है, और इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, जीरे से तड़का लगाया है। फिर वही लहसुन हरी मिर्च प्याज को मैं भून लूंगी, उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी पत्ता गोभी। जो पत्ता गोभी को मैंने बारीक कट किया है, थोड़े से मतलब ये बारीक ही कट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसी मुझे भून लेना है। और दूसरे साइड में मैं रोटियां लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मेरे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मैं वीडियो तो अब मतलब 2-3 दिन से तो लगातार डाल रही हूँ, पर व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे भी आगे तक जाना है, 1 साल हो गया है यूट्यूब पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और कहीं ना कहीं मैं अपना हिम्मत अब छोड़ रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए ताकि मेरा हिम्मत जो है वो बना रहे। मैं भी बहुत सारे सपने लेकर यूट्यूब पे आई थी कि मतलब बहुत कुछ सोचा था मैंने, अभी क्या बताऊँ, जब पूरा ही नहीं हुआ तो क्या बताऊँ। तो आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं मैं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और अभी देखिए रोटी मैं लगा रही हूँ, यहाँ छबी जो है वो मतलब कुछ पूछने आई थी कि मम्मी मेरा सुन लीजिए, तो वही सुन रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और मेरे वीडियो को शेयर भी किया करिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और अपने फैमिली मेम्बर में, और लाइक भी कर दिया करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे सपोर्ट करिए, और बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में तो आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था, मुझे लग रहा था कि 2-3 महीने में मतलब मैं भी ग्रो कर जाऊंगी, बट अभी 1 साल से ऊपर हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मैं बार बार आप लोग से कह रही हूँ, आप लोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और मेरे साथ साल भर में यूट्यूब ने भी काफ़ी सारा ऐसा काम किया है कि मैं क्या बताऊँ, मेरा वीडियो डिलीट कर दिया, वायरल वीडियो को फिर से वैसे ही कर दिया जैसा मेरा नॉर्मल वीडियो है, तो कोई भी कुछ भी मतलब रिस्पांस नहीं मिला, जैसे लग रहा है यूट्यूब खुद ही नहीं चाह रहा है कि हम न्यू यूट्यूबर जो हैं वो आगे जाएं। इम्प्रेशन भी ज़्यादा वो नहीं भेज रहा है, और मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है इस सब बारे में, क्योंकि मेरी इंग्लिश जो है वो वीक है, तो मैंने मतलब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो अभी देखिए वही सब्जी बनने को हो गई है, और यहाँ बर्तन भी हो गए थे तो मैं उन्हें क्लीन कर लेती हूँ। अब बस सब्जी पकने में 5-10 मिनट और लगेगा। तो जो आलू है ना वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका था,
सिर्फ 10% बचा था, तो इसमें मैं अब टमाटर डाल देती हूँ। और बस अब गरम मसाला डाल के इसे एक बार और मैं कवर करके रख दूंगी कि जो थोड़ा बहुत आलू अभी नहीं पका है वो पक जाएगा। सब्जी डन है। इसे आप दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, नॉन के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो मैं बनाती रहती हूँ इस रेसिपी को। बन चुकी है और सब्जी भी अभी थोड़ा सा बस है, आलू सॉफ्ट हो गए हैं, बस टमाटर तो गल जाएगा, तो सब्जी बन गया है। और अभी जब तक सब्जी मतलब हो रही है तब तक बच्चे लर्न कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग को टाइम टेबल मिल चुका है, 7 फरवरी से इन लोग का एग्ज़ाम है। तो वही देखिए अभी ये सब तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, सभी और उपेश। तो अभी थोड़ा मैं इन लोग को पढ़ा लेती हूँ, और सब्ज़ी भी बनी गई है, थोड़ा पढ़ा लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ।